वेलकम टू पेट फॉर यू, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। तो आज हमें मिस्टर पेट वाला स्टोर पे देख सकते हो, सूरज भाई ने पूरा अपडेट करके रखा है। हाय सूरज भाई, कैसे हो आप? बस बढ़िया है, हम आप बताइए। तो आज कुछ नया न्यू अपडेट बताने वाले। वैसे तो हर वीक हमारे पास न्यू स्टॉक आते रहता है, बट आपके वीडियो में हम कुछ स्टॉक जो है आपको शो करने वाले हैं, जिसमें हैंड फीडिंग चिक्स है, सेल्फ फीडिंग बर्ड्स है, बड़े बर्ड्स है, छोटे बर्ड्स है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सिर्फ और सिर्फ लीगल पेट्स में और लीगल बर्ड्स में हम जो है डील करते हैं। तो कोई भी जो है इलीगल पैरट्स, इलीगल आपको एक पहले बता देते हैं कि इंडियन बर्ड या इंडियन पैरट्स, इंडियन एनिमल्स जो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आते हैं, वो सारे के सारे इंडिया में लीगली आप नहीं रख सकते, वो इलीगल पेट होते हैं। तो आप कहीं से खरीदिएगा मत और हमें भी फ़ोन करके पूछिएगा मत। हमारे पास जो भी बर्ड्स आपको मिल रहे हैं या जो भी पेट्स हैं, वो सारे लीगल पेट्स हैं। तो इस वीडियो में आपको जो हम पेट्स दिखाते हैं हमारे पास में क्या है, हम उसका प्रॉपर नाम आपको बताने वाले हैं। तो आपको जो है नाम चेक करके या स्क्रीनशॉट लेके हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको रिप्लाई आएगा, थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि हमारे पास काफ़ी काम होने की वजह से जो है हम सबको टाइम पे सर्व नहीं कर पा रहे हैं, बट आप सभी को रिप्लाई ज़रूर आएगा। मैं आपको स्टार्ट करता हूँ विद स्मॉल कॉन्यूर्स, पाइनएप्पल और येलो साइडेड के साथ में। स्मॉल कॉन्यूर के साथ में, यस। ये हमारे पास में सॉल कॉर्नियर में पाइनएप्पल कॉर्नियर का चिक्स है, पाइनएप्पल कॉर्नियर का चिक्स है। ये जिस किसी को भी मतलब इनसाइड मुंबई चाहिए तो स्टोर विजिट कीजिएगा, आपको मिलने वाला है। ये हैंड फीडिंग चिक्स है, सेल्फ फीडिंग में चाहिए तो सेल्फ फीडिंग में भी आपको बर्ड आगे जाके दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा फिर मेरे पास में यहाँ पे ये येलो साइडेड कॉर्नियर का चिक्स है, येलो साइडेड। कितने ब्यूटीफुल क्वालिटी है इस बर्ड की, कितने डेज के रही है ये जो बर्ड है? जस्ट 25 डेज ओल्ड है, जस्ट 25, यस 25 डेज ओल्ड बर्ड है। ये सारे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। फिर इसके अलावा अफ्रीकन लव बर्ड में, हाई म्यूटेशन बर्ड में आपको जो है हैंड फीडिंग चिक्स मिलेंगे, अफ्रीकन लव बर्ड, यस। ये देख सकते हो एक पार्ब्लू है, पार्ब्लू, यस। ये पार्ब्लू का हैंड फीडिंग चिक्स आपको मिलने वाला है। इसके अलावा थोड़ा बड़े साइज में मैं आपको डबल वायलेट फैक्टर में दिखा देता हूँ। ये डबल फैक्टर वायलेट कलर में आपको व्हाइट फेस मतलब मिलने वाला है, अफ्रीकन लव बर्ड रिंग आइज में है ये सारे सारे के ये सारे। आपको मिलने वाला है। फिर इसके अलावा आपको फिशर में मिलने वाला है, ये फिशर का बर्ड है, ये भी हैंड फीडिंग चिक्स आपको मिलने वाले हैं। जिस किसी को भी अफ्रीकन लव बर्ड हैंड फीड करने हैं और टेम्प करने हैं तो वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अफ्रीकन लव बर्ड अच्छे टेम होते हैं ना? बिल्कुल अच्छे टेम होते हैं। मैं आपको कुछ टेम बर्ड जो हमारे पास में है वो भी आगे दिखाने वाला हूँ। फिर अभी आपको मैं आपको कुछ सन कॉर्नियर्स में दिखा देता हूँ। सन कॉर्नियर्स में, यस, सन कॉर्नियर्स सूरज भाई, सन कॉर्नियर्स सन कॉर्नियर्स हमारे पास में बहुत सारे सेल होते हैं, तो मैं आपको सन कॉर्नियर्स भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो आप, ये सन कॉर्नियर की क्वालिटी है हमारे पास। येलो डायमंड जो बर्ड है 30-35 डेज ओल्ड बर्ड है। येलो डोमिनेंट जो कलर है वो दिखने में आ रहा है, येलो डोमिनेंट कलर जो है दिखने में आ रहा है। मैं और भी एक दो बर्ड जो है आपको अच्छे क्वालिटी में, इससे भी प्रॉपर येलो डोमिनेंट बर्ड जो थोड़ा सा बड़ा हुआ है साइज में, तो उसमें कैसे कलर आता है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ओहो माशाल्लाह, ये रेड बर्ड, ये बर्ड देखो पूरा का पूरा येलो डोमिनेंट। ये भी बर्ड आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं हमारे पास में। तो ऐसी क्वालिटी और ऐसे बर्ड्स को आपको लेना है तो आप मुंबई से हो तो स्टोर विजिट कीजिएगा, आप बाहर से हो तो स्क्रीनशॉट करके हमें भेजिएगा, हम ट्राई करेंगे कि बर्ड जो है आपको मिलेंगे जहाँ से भी आप बात करें। भाई आपकी क्वालिटी का तो सवाल ही नहीं है, आपकी क्वालिटी सबसे बेस्ट ही होती है। थैंक यू। मैं आपको अभी हैंड फीडिंग में और एक बर्ड मेरे पास अभी फिलहाल अवेलेबल है वो दिखा देता हूँ, अफ्रीकन ग्रे। अफ्रीकन ग्रे का हैंड फीडिंग चिक्स है, आप देख सकते हो ये 1.5 मंथ ओल्ड बेबी है, ऑलमोस्ट इसका जो प्लमेज देख सकते हो आप कैसा है, कितना कंडीशन है। ये बर्ड जो है इसका हेड पूरा कवर हो चुका है, ये देख सकते हो आप, फुल्ली ब्यूटीफुल। कॉन्गो अफ्रीकन ग्रे है, कॉन्गो सिर्फ कॉन्गो अफ्रीकन ग्रे में ही डील करते हैं, बाकी ग्रेस के बारे में हम डील करते ही नहीं है। जो बड़े बर्ड होते हैं उन लोगों का डीएनए कितने टाइम के बाद में होता है? देखो डीएनए जो होता है वो बर्ड का डीएनए जो होता है, आपको बेली के फेदर्स प्रॉपरली ओपन होने के लिए, प्रॉपर बेली फेदर्स आने के बाद में आप बर्ड का जो है डीएनए कर सकते हो। इवन ब्लड सैंपल से भी आप डीएनए कर सकते हो, बट वो प्रोसेस हम सजेस्ट नहीं करते, आप फेदर सैंपल से जो है डीएनए कर सकते हो। कोई भी हैंड फीडिंग बर्ड के जब बेली के फेदर्स आते हैं तो आप डीएनए सैंपल्स लैब टेस्टिंग में भेज सकते हो डीएनए। अभी आगे का स्टॉक जो है वो आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे हमारा गॉफिन कोकाटू है, वो अभी सो रहा है, ये देख सकते हो, ये गॉफिन कोकाटू है, बहुत भारी है सूरज भाई। ये 2.5 मंथ ओल्ड चिक है अभी हमारे पास में। इसके अलावा मैं बड़े बर्ड में आपको और बर्ड दिखा देता हूँ, बड़े बर्ड और अंदर है। मैंने जैसे बोला था अफ्रीकन लव बर्ड में आपको ट्रेन बर्ड भी दिखा देता हूँ, अफ्रीकन लव बर्ड। ओ माशाल्लाह,
ये देख सकते हो। ओह माय गॉड, क्या स्टेप अप कर रहा है सूरज भाई। हाँ, ये अफ्रीकन लोबर्ड में मतलब ट्रेन बर्ड है। इसके अलावा मैं दूसरा भी बर्ड आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, ये मेरे पास में पैर है, पैर लुटिनो ऑफलाइन है। ये भी बड़ी पैर लग रही है। यस, ये बड़ी पैर है। ये भी ट्रेन बर्ड है, ट्रेन बर्ड है। ये भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। फिर इसके अलावा सूरज भाई का स्टॉक देख लो आप लोग अंदर ही। दूसरे बर्ड में आपको कुछ जो है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे वाइल्ड में मेरे पास में देख सकते हो आप, वाइल्ड में। हाँ, ये कौन से बर्ड है? पैसिफिक पैरटलेट है। पैसिफिक पैरटलेट, यस, स्मॉलेस्ट पैरट वैरायटीज में आते हैं। ये ब्रीडिंग पेयर है, ब्लू एंड ग्रीन कलर में मेल फीमेल आपको मिलने वाले हैं। ये भी बेस्ट प्राइस में हम आपको देंगे। प्राइजेस किसी भी चीज का हम वीडियो में डिस्क्लोज नहीं करेंगे। एज पर द यूट्यूब क्राइटेरिया हम जो है बर्ड का सिर्फ आपको स्टॉक दिखा रहे हैं। तो प्राइसिंग के लिए आप हमें वीडियो से जो स्क्रीनशॉट है वो लीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको प्राइस जो है बर्ड का पता चलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ट्रेंड में पाइनएप्पल वगैरह है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो, ओके, तो पाइनएप्पल कॉन्योर का टेम बर्ड है हमारे पास। ये सेल्फ फिटिंग बर्ड है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो आप, देख सकते हो कितना प्यारा है। ये प्रॉपरली ट्रेंड बर्ड है, यस। ये भी आपको यहाँ पर हमारे पास कुछ कर रहा नहीं है, फाइट नहीं करेगा। ट्रेंड बर्ड और टेम बर्ड में डिफरेंस होता है। टेम बर्ड यानी कि जिस बर्ड को आप ट्रेन कर सकते हो, जो बर्ड बिल्कुल भी बाइट नहीं करता है उसे टेम बर्ड कहा जाता है। ट्रेंड बर्ड यानी कि जिस बर्ड को स्टेप अप, रिकॉल, ये सारी चीजें सिखाई जाती है वो ट्रेंड बर्ड होता है। ट्रेनिंग में काफी चीजें आती है आपको, उसके लिए हम डिटेल वीडियो जो है आगे बनाने वाले हैं। और आगे आपको मैं कुछ और बर्ड सिखा देता हूँ उसके बाद में। यहाँ पे ये ट्रेंड बर्ड है मेरे पास में, आप देख सकते हो। ये है ब्लू थ्रोटेड कॉन्योर। ब्लू थ्रोटेड कॉन्योर, माशाल्लाह बहुत बारे दिख रहे हैं। तो आप इन सब का प्राइसिंग क्यों नहीं ड्रॉप कर रहे सूरज भाई? प्राइसिंग इसलिए नहीं ड्रॉप करते हैं क्योंकि हमारे पास में क्वालिटी मिलती है, तो हम प्राइस ड्रॉप नहीं करते हैं। आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा बट क्वालिटी प्राइस मिलेगा। ओके, जो भी क्वालिटी हम दे रहे हैं उसका जो है ये प्राइस होने वाला है। फिर इसके अलावा सन कॉन्योर में ट्रेंड में हमारे पास में बड़े बर्ड हैं, आपको वो भी दिखा देता हूँ। आ जाओ, ये देख सकते हो। ओके 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 ओके, ये देखो, ये भी ट्रेंड बर्ड है। ये केज के बाहर आते हैं बर्ड, पहले उगना चाहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, ये देख सकते हो आप। ये देखिए, बर्ड सेटल हो जाता है फिर शांत हो जाता है, आपको बिल्कुल भी बाइट वगैरह जो है। ये देखिए, देख सकते हो सूरज भाई के हाथ में सेटल हो चुका है अभी ये बर्ड। अब देख सकते हो, ये सूरज भाई के खंधे पे जाके बैठने का चाह रहा है। ये सारे ऐसे क्वालिटी में आपको जो है बर्ड हमारे पास बर्ड से बहुत लगा हुआ है। हाँ भाई, लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे पास में हॉफमैन कॉर्नियर था। आप देख सकते हो अभी ये बर्ड का कलरेशन कैसा हो रहा है। यहाँ पे चिक्स आ चुके हैं रेड कलर के, और ये विंग्स में भी देख सकते हैं येलो शेड इसका प्रॉपर डेवलप हो चुका है। ये बर्ड अभी भी 3 times हैंड फीड पे है। 3 times हैंड फीड, यस। ये 10 to 15 days में सपोर्ट फीड पे आ जाएगा ये बर्ड। 10 to 15 days, यस यस। जिस किसी को भी इस बर्ड को परचेस करना है या हमसे मतलब लेना है, वो हमें जल्द से जल्द मैसेज या कॉल करके अपडेट कर। ये बर्ड का जो वैरायटी और रेयर वैरायटी है, यस, ये रेयर वैरायटी में है। इसके अलावा फिर मेरे पास में जो है सेनेगल पैरट वगैरह भी है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। सेनेगल पैरट्स में भी काफ़ी अच्छे प्रॉपरली सेल्फ स्टार्टेड है, सेल्फ प्रॉपर ये सेल्फ बर्ड है। देख सकते हो, उन्होंने अब भी खाना खाया। ये देखो, स्प्राउट्स खाते हैं बर्ड, जिसमें पूरा बीक को स्प्राउट्स लगा हुआ है। बहुत प्यारा बर्ड है। इनके साथ में आपको बॉन्डिंग बनाना है तो आप जब भी सेल्फ फिटिंग बर्ड लेते हो तो भी आप इनको A19 वगैरह एज अ सप्लीमेंट के तौर पे आप इनको खिला सकते हो, जिससे आपका बॉन्डिंग भी बढ़ेगा और बर्ड और हेल्दी रहेगा। बर्ड हेल्दी भी रहेगा। A19 जैसा इशू कुछ नहीं है ना कि बर्ड बड़ा हुआ तो उनको खिलाना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। A19 एक सप्लीमेंट्री फूड है, तो आप उनको खिला सकते हो, उससे बर्ड का हेल्थ जो है वो अच्छा ही रहने वाला है, वो कभी भी खराब नहीं होने वाला। आप देख सकते हो बर्ड अभी भी मतलब देखो कैसे है। इसमें 2 birds है वो हैंड फीडिंग पे भी है, मतलब जिस किसी को अगर हैंड फीडिंग पे भी चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। जैसे ये वाला है बर्ड, ये भी हैंड फीडिंग पे है। एक आपको और 15-20 days हैंड फीड उसको करना होगा, फिर ये बर्ड प्रॉपर सेल्फ हो जाएगा। ओके, ये टोटल ट्रेंड बर्ड है, टोटल ट्रेंड। हाँ, स्टेप अप वगैरह सीख चुके हैं ये बर्ड। काफी बड़े बर्ड जो होते हैं वो बहुत जल्दी ट्रेंड हो जाते हैं, छोटे बर्ड्स को हमें थोड़े ज्यादा एफर्ट देने पड़ते हैं। अच्छा, हाँ।
इसके अलावा मैं आपको जो है कुछ फिंचेस वैरायटीज दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास में आउल फिंच है और गोल्डन फिंच है, ग्रीन गोल्डन फिंच, ये सब भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये वाइल्ड बर्ड्स हैं, केज में रख सकते हो आप इनको, ये भी आपको बेस्ट प्राइस में हम करके देंगे। लेकिन देखने के लिए क्यूट दिख रहे हैं। यस यस यस, आपको कुछ और कॉर्नियल की वैरायटीज दिखा देता हूँ। और पाइनएप्पल, ब्लू पाइनएप्पल ये देख सकते हो, ये ब्लू सीरीज है, टर्कोइज जिसे बोला जाता है, ये जो है टर्कोइज येलो साइडेड है। ये इसमें लिमिटेड पीसेस अवेलेबल है मेरे पास में, ये भी हैंड फीड पे है अभी भी, बर्ड सेल्फ नहीं है। ये देख सकते हो ये बड़ा हुआ येलो साइडेड कॉर्नियर है, येलो साइडेड ये है। इसके अलावा फिर मेरे पास में ग्रीन चिप कॉर्नियर है, ग्रीन, ये भी हैंड फीड पे है अभी भी, थ्री टाइम हैंड फीड पे बर्ड है इजीली, मतलब इनको जो है सपोर्ट फीड पे 10 से 15 दिन में आप इनको पतंग मिल जाएगा ये बर्ड। ओहो, और इजी टू ट्रेंड होते हैं ग्रीन चिप कॉर्नियर, काफी काम्ड होते हैं कॉर्नियर वेराइटीज में, जैसे पाइनएप्पल येलो साइडेड थोड़े ज्यादा मस्टिकोर होता है, बट वहीं पे ये ग्रीन चिप कॉर्नियर जो होता है काफी काम्ड होता है। कोई भी कॉर्नियर वैरायटी जो होती है वो निबल करती है नेचर में, इनका इनको खिलना है यानी कि निबलिंग होता है तो निबल करेंगे। आपको मैं कुछ बड़े साइज में अफ्रीकन लॉपर्ड के हैंड फीडिंग स्टिक्स है वो भी कुछ दिखा देता हूँ कवर में, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये थोड़े बड़े साइज के अफ्रीकन लॉपर्ड के, ये देख सकते हो आप कैसे हैं। ये कौन सा कलर है सूरज भाई? ये मिक्स एक क्रॉस बर्ड है, मतलब इसके अंदर ब्लू एंड व्हाइट मिक्स है, जैसे ये पाइड है प्रॉपर, प्रॉपर ये पाइड है, ब्लू पाइड है, ब्लू पाइड, यस। देख सकते कितने प्यारे हैं इसके विंग्स, देख सकते आप कितने क्या प्यारे हैं। इसमें आपको मैं पार ब्लू है वो भी दिखा देता हूँ, पार ब्लू, यस ये पार ब्लू है, ये प्रॉपर सपोर्ट फिश बर्ड है, अभी खुद से खाना स्टार्ट कर चुका है ये बर्ड, आप देख सकते हो इसका, लोग भी खुद से खाना चालू कर दे, यस यस यस, ये भी अभी सीड्स वगैरह जो है खाना स्टार्ट कर दिए, इन लोगों का ट्रेनिंग सीजन चालू हो जाएगा। हाँ, इसमें अभी आप ये बर्ड्स को जो है ट्रेन कर सकते हो। फिर आपको मतलब वैरायटीज में मेरे पास में कॉकटूज है, मैं आपको कॉकटूज बाहर नहीं निकालता, यहाँ पे मेरे पास में ये क्लाइंट का बर्ड है ऑलरेडी दिया हुआ है इसीलिए। फिर मेरे पास में यहाँ पे अम्ब्रेला को काटू है, ये क्लाइंट हो जाने वाला है, ये जो बर्ड है डिलीवर होने वाला है अलाहाबाद में, अलाहाबाद में, यस ये अलाहाबाद जाने वाला है। फिर यहाँ पे मेरे पास में यहाँ पे हंस मकाव है, यस ये हंस मकाव है, ये भी प्रॉपरली ट्रेन बर्ड है, इसको अभी मैं बाहर निकाल के नहीं दिखाता आपको। जिस किसी को हंस मकाव लेना है वो DM कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे जाके जो है वीडियो देख सकते हैं, आपको इसका 10 मिनट का वीडियो वहाँ पे मिलने वाला है। फिर मेरे पास में संचिक कॉर्नियर भी है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ये बड़ा शेल्टर इधर सो है, ये देखिए ये संचिक कॉर्नियर है, ये भी आपको ट्रेंड में मिलने वाले हैं, ये भी स्टेप अप ट्रेंड है, स्टेप अप ट्रेंड है, 2.5 मंथ ओल्ड बर्ड है, 2.5 मंथ सेल्फ ईटिंग है, फ्रूट्स एंड स्प्राउट्स सारा चीज अभी ये बर्ड जो है खाता है। ये बड़ा लॉन्ग सूरज भाई नया है क्या? इसके अलावा यहाँ पे पाइनएप्पल कॉर्नियर है, पाइनएप्पल कॉर्नियर है, ये भी ट्रेंड में आपको मिलने वाले हैं। फिर मेरे पास इसमें आपको मिलेगा येलो साइडेड कॉर्नियर, येलो साइडेड, ये सारे कॉर्नियर आपको हमारे पास में मिलने वाले हैं सारे के सारे, यस यस। यहाँ पे कॉर्नियर की वैरायटी आप देख सकते हो, देख सकते हो कितने कॉर्नियर की वैरायटी है, कॉर्नियर में स्मॉल कॉर्नियर वगैरह बहुत है। अब ये मकाव है, देखो ना सूरज भाई कैसे सो रहा है, ये मस्ती करने के मूड में आ चुका है, मस्ती करने के मूड में, हाँ देखो उसको अभी बाहर आना है, अभी बाहर आना है, मैं आपको बाहर निकाल के दिखा देता हूँ, आ जाओ। ओ माशाल्लाह क्या स्टेप अप कर रहे हैं सूरज भाई, देखो ओ माय गॉड, ये बर्ड भी किसी के लिए बुक्ड हो चुका है, ये बर्ड बर्ड जल्दी ही जाने वाला है बाहर। इसके अलावा मेरे दो मकाव कल ऑलरेडी जा चुके हैं, दो मकाव, हाँ कल दो मकाव जो है राजस्थान डिलीवर हो चुके हैं। लग रहा है सूरज भाई के शॉप पर सिर्फ मकाव का ट्रेंड चालू, हाँ मकाव हमने काफ़ी सेल किए हैं, मकाव के लिए काफ़ी इंक्वायरीज भी आ रही है, बट आपको बता दें मकाव जो है एक प्रीमियम प्राइस बर्ड है, तो आपको इसके लिए जो है 1,60,000 के ऊपर तक का अमाउंट पे करना होता है, 1,00,000, तो उस हिसाब से आप सोचिए कि आप ये बर्ड मतलब ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, हर किसी का हॉबी होता है, बट वहाँ पे हमें प्राइस में भी देखना होता है कि हम ये प्राइस में ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो जिस किसी को भी इंक्वायरीज करनी है तो प्लीज़ हमें ऐसे चीप रेट्स मत बताइए कि 7,000 में मिलता है, 4,000 में मिलता है, वो आपको सिर्फ फ्रॉड करेंगे, वो बर्ड आपको उतने वैल्यू में नहीं मिलते हैं, कहीं पे भी नहीं मिलते हैं।
और आजकल फ्रॉड का सिस्टम तो बहुत चालू हो चुका है। यस, काफी सारे कस्टमर्स हमें फ्रॉड के लिए मतलब मैसेज डालते हैं कि इतने फ्रॉड हो चुका है उनके साथ, बचाव दिखाते हैं, ग्रे दिखाते हैं और बोलते 4,000-7,000 में आपको बर्ड मिलेगा, आप बस हमें टोकन अमाउंट डालिए फिर आपको बर्ड मिलेगा। ऐसे नहीं है, बाकायदा आप हमारा स्टोर विजिट कर सकते हो मुंबई में, हम जेन्युइन वर्क करते हैं तो किसी को भी कम्प्लेन का मौका नहीं देते हैं। सूरज भाई आप इतना तो बोले, आपके शॉप का एड्रेस भी बता दो। शॉप का एड्रेस जो है वही है हमारा मुंबई बोरीवली ईस्ट राजेंद्र नगर अपोजिट टू राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन, ये हमारा लैंडमार्क है। और नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, गूगल पे आप मिस्टर पेट्स वाला सर्च करो, आपको वहाँ पे भी डिटेल्स एड्रेस वगैरह सब चीज़ मिल जाएगी, सब चीज़ मिल जाएंगी। यस, थैंक यू सूरज भाई, मिलते हैं आप अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।